ठीक है जी। सपोज हम कभी भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट शीट करते हैं, तो क्या होता है कि हम एंट्री नहीं कर पाते इसके अंदर, पर इसको चलाते कैसे हैं वो कम लोग जानते हैं कि इसको एक्चुअली में कैसे यूज करना है। अब देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल के साथ एक प्रोटेक्शन का टैब होता है। ठीक है जी। इसमें दो कैटेगरी होती है, लॉक्ड एंड हिडन। तो लॉक्ड बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा, लॉक्ड पे चेक होता है, यानी कि हर एक सेल लॉक्ड है। आप किसी का भी देखेंगे उनकी सेल आपको लॉक दिखेगी। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जब आप राइट क्लिक करके, जैसे ये शीट प्रोटेक्ट करनी है तो प्रोटेक्ट शीट पे गया मैं, यहाँ मैंने दे दिया पासवर्ड जो देना है, मैंने कहा ABC, देन ओके कर दिया। अगेन वो पूछता है, ABC पासवर्ड डाल दिया मैंने। अब क्या है कि जो जो मेरी शीट जिस सेल पे लॉक्ड वहां चेक होगा प्रॉपर्टी में उसकी, वहां हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अनप्रोटेक्ट कर देता, पासवर्ड मांग रहा है मैं। तो इस चीज से कैसे करना है, जैसे हमें मान लीजिए फॉर्म बनाना है, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे एंट्री कर पाऊं, यहां पे एंट्री कर पाऊं और यहां पे एंट्री कर पाऊं। ठीक है, इन तीन सेल में एंट्री कर पाऊं और किसी में ना कर पाऊं। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इनको पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल दबा के मैंने दूसरी सिलेक्ट सेल, दूसरी सेल सिलेक्ट की, देन कंट्रोल दबा के तीसरी। तो तीन चीजें मैंने सिलेक्ट कर रखी हैं, तीन सेल सिलेक्ट कर रखे हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, Ctrl 1 इनके सेटिंग पर जाऊँगा और लॉक्ड हटा दूंगा। ठीक है जी। ओके कर दिया मैंने। अब मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूँ, पासवर्ड दे मत दे मर्जी आप। ठीक है जी। तो अब देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है जी। पर इसके अलावा कहीं और एंट्री करने का करूँ तो इस टाइप की एरर आ जाती है। ठीक है जी। और किसी को नहीं चेंज कर सकता इनके अलावा। ठीक है जी। इसको वापस सही कर देता हूँ। पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से पूरी सेल सिलेक्ट कर ली मैंने, देन अच्छा पहले अनप्रोटेक्ट करना होगा, देन पूरी सेल सिलेक्ट कर ली मैंने, फॉर्मेट सेल, और यहाँ से लॉक्ड ओके कर दिया। ठीक है जी। अब सारी सेल लॉक्ड है। अब क्या करता हूँ मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में एंट्री ना हो, बाकी सब में हो, तो कैसे करेंगे, यहां से सिलेक्ट करेंगे Ctrl 1 और यहां से जो लॉक्ड है वो हटा दूंगा। ठीक है, सबका लॉक हट गया, देन स्पेशली इस एरिया पे जाके लगा दूंगा। ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये एरिया आपका प्रोटेक्टेड हो गया, बाकी में आपकी एंट्री हो पाएगी। प्रोटेक्ट शीट करता हूँ। ठीक है जी। बाकी में आप कहीं भी कोई भी एंट्री करें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जब एंट्री करने जाएंगे तो एरर दिखाएंगे। मैं एक चीज चाहता हूँ कि मेरी जो सेल है, जैसे ये जो मेरा यहाँ पे प्रोटेक्टेड डेटा था उसको कोई कॉपी ना कर पाए, जैसे नेम, सिटी, मोबाइल, ये चीजें, ये फील्ड्स जो लॉक्ड रहेंगे मेरी, उसको कोई कॉपी ना कर पाए लॉक्ड वाले को। ठीक है जी। अब लॉक्ड का क्या होता है कि कॉपी रोकने का तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है जी। मान लीजिए आपने प्रोटेक्ट शीट कर भी रखा है तो आप एंट्री नहीं कर सकते, बट कॉपी जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब चाहते हैं कॉपी भी ना हो, तो कॉपी के लिए एक चीज जरूरी होती है, सिलेक्शन। फर्स्ट हमें उस पर सिलेक्ट करना पड़ता है, तो हम सिलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं।
जब हम प्रोटेक्शन में जा रहे हैं, प्रोटेक्ट शीट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, जिस जिस पे चेक होगा वो काम वो कर पाएगा। ठीक है जी, इसमें हमारे पास है सिलेक्ट लॉक्ड सेल, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो जो है हमारी लॉक्ड सेल है, हम अगर ये ऑप्शन हटा दें तो वो लॉक्ड सेल को प्रोटेक्शन के दौरान सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ पर मेरा कर्सर मूव नहीं हो रहा, मेरा कर्सर बस इन्हीं तीनों में चलेगा, अगर मैं एंटर भी करूँगा तो इन्हीं में ही स्विच करता रहेगा। ठीक है जी, देन बात करते हैं वर्कबुक प्रोटेक्शन की। ये तो थी शीट प्रोटेक्शन। वर्कबुक से पहले एक चीज देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हमें यूजर लेवल प्रोटेक्शन देना है। ठीक है जी, इसको भी एक को, ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि इस एरिया को जो एक्सेस करे वो मैनेजर करे और इस एरिया को जो एक्सेस करे वो एम्प्लॉय करे। ठीक है जी, यूजर लेवल प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ मैं। कैसे करेंगे, पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लिया, देन हम गए रिव्यू में। यहाँ पे एक अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, ठीक है जी, इसमें करने के लिए पहले हमें सारी सेल लॉक करनी पड़ेगी। सारी सेल को लॉक कर देते हैं यहां से। सो अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, तो इसके अंदर हमें वो रेंज देनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे तीन कॉलम है, ये मैं चाहता हूँ कि एक को असाइन हो, मैं कंट्रोल के साथ ऐसे सिलेक्ट कर लिया, तो अलाउ यूजर टू एडिट रेंज न्यू, तो ये रेंज मेरी यहाँ पे लिखी हुई आ गई। मैंने कहा एम्प्लॉय के लिए ये होनी चाहिए, इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं इसे, और रेंज का पासवर्ड क्या रहेगा, मैंने कहा 123 पहले वाले का पासवर्ड रहेगा। ओके 123, ठीक है जी। देन मैंने क्या किया, एक मैनेजर के लिए बनानी है तो मैंने न्यू किया और मैनेजर के लिए एक रेफरेंस बना दिया। अब इसका रेफरेंस मैं कह रहा हूँ ये रहेगा, ठीक है जी, रेंज का पासवर्ड दे दिया मैंने 456। ओके 456 अप्लाई। इसी तरह कितनी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट, मैंने प्रोटेक्शन दे दिया, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जैसे ही एंट्री करने चलता हूँ तो ये पासवर्ड मांगता है मेरे से, ठीक है जी। तो यहाँ पासवर्ड मैंने दिया था 123, तब ही मैं इसको चेंज कर पाऊंगा। ठीक है जी, देन इस पे करने चलता हूँ चेंज, तो फिर पासवर्ड मांगता है, यानी कि जब मैं इसका पासवर्ड दूंगा तब मैं इसको चेंज कर पाऊंगा। तो एक एक सेल पे आपका अलग अलग पासवर्ड आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब चलते हैं वर्कबुक प्रोटेक्शन पे। ये जो बात रही हमारी, ये था सारा एक शीट के बारे में, आप अलग अलग शीट पे अलग अलग रूल्स अप्लाई करके प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। देन बात आती है वर्कबुक की। वर्कबुक में क्या होता है हमारा, जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये वर्कबुक होती है हमारे, इसके अंदर हमारी शीट्स हैं, ठीक है। तो जब हम वर्कबुक प्रोटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज आ रहा है, ठीक है जी। तो प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज में जिस पे क्लिक करेंगे वो होगा। अगर आप स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब आप
स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी शीट इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते इस पूरी वर्कबुक में। हाइड एंड हाइड नहीं कर सकते, टैब कलर नहीं चेंज कर सकते, मूव नहीं कर सकते, मूव और कॉपी शीट को मूव नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये रिस्ट्रिक्शन लग जाती है इस पे। बाकी प्रोटेक्ट वर्कबुक को दोबारा देखते हैं, अनप्रोटेक्ट किया मैंने, अब देन प्रोटेक्ट वर्कबुक। विंडोज, विंडोज में क्या होता है कि ये जो तीन आपके मिनिमाइज करने के साइन आ रहे हैं ऊपर, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज के, ये आपके लॉक हो जाते हैं। अब आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, आपने जैसा दिया है यूजर उसी पे ही काम करेगा, ठीक है जी। ये आपकी लॉक हो गई, वो साइन गायब हो गए, आप इसको यहां से क्लोज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक। देन बात करते हैं अभी, जैसे कि हमारा प्रोटेक्शन है तो हम देख रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन हमारे चल नहीं रहे हैं, सारे डिसेबल हुए पड़े हैं कुछ एक को छोड़ के, ठीक है जी। कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी नहीं होती है, कोई भी चीज़ नई चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अनप्रोटेक्ट करता हूँ सर। देन देखते हैं फाइल प्रोटेक्शन, कि पूरी फाइल को हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो भी डेटा है वो जब हम फाइल पर डबल क्लिक करके खोलते हैं, कहाँ सेव कर दिया मैंने, एक बार और सेव करता हूँ, एयरटेल में सेव हो गया, तो इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है जी। तो सेव करते टाइम अगर आपको पूरी फाइल लॉक करनी हो, तो सेव करते टाइम पहली बार जब सेव करेंगे तो यहाँ पे चले जाएंगे टूल्स, जनरल ऑप्शन, और यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है जी। दोबारा वही मांगेगा, कंफर्म करने को बोलेगा, ठीक है जी। तो मैं प्रोटेक्ट वन के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, तो मैंने सेव कर दी, क्लोज कर दी, यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये फालतू सेव हो गई थी, ठीक है जी। तो अब इस शीट को जब मैं खोलता हूँ तो ये मेरे से पासवर्ड मांगता है कुछ भी दिखाने से पहले, पासवर्ड टू ओपन, एक पासवर्ड होता है ओपन करने का और एक होता है चेंज करने का, ठीक है जी। अब क्या ये तो बात थी कि हमने किसी पुरानी वर्कशीट में, मतलब कोई नई वर्कशीट सेव कर रहे हैं तो पासवर्ड लगाना, पुरानी में अगर लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप होम इसमें ऑफिस बटन पे जाएंगे, प्रिपेयर में जाएंगे एंड एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ आपका पासवर्ड आ जाएगा, इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं या नया डाल सकते हैं, ठीक है जी। एनक्रिप्ट हो जाएगा आपका, यहां से मैंने नया पासवर्ड दे दिया 456, अब आ रहा है 456। बट ये जो मॉडिफाई वाला क्राइटेरिया है, मॉडिफाई को नहीं चेंज कर सकते पासवर्ड को, ठीक है जी। वहां हमें ये वही सेव करते टाइम ही देना पड़ेगा पहली बार, अदरवाइज बाद में नहीं चेंज होता वो, ठीक है जी। तो ये था आपका प्रोटेक्शन। देन बात करते हैं डेटा वैलिडेशन, हाँ जी। तो इंटरनेट पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसमें हम पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, बट उसमें भी एक है कि हम VBA के पासवर्ड को नहीं तोड़ सकते। अगर हमने विजुअल बेसिक में कोई पासवर्ड लगाया तो इसको नहीं तोड़ा जा सकता,
बाकी आपका एक्सेल का पासवर्ड टूट जाता है, ऑलमोस्ट टूट जाता है। उसके लिए कोई भी यहाँ पर टाइप करेंगे, कोई भी प्रोग्राम मिल जाएगा। अनलॉक एक्सेल पासवर्ड, ये तो दुनिया भर के आपको पासवर्ड रिकवरी टूल वगैरह मिल जाते हैं, किसी को भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने पासवर्ड तोड़ने का प्रोग्राम बनाया। खैर इससे नहीं होगा, ये फालतू है। आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें आपको कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, बहुत सारे इसमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अलग से आते हैं। ये वर्ड एक्सेल पासवर्ड रिकवरी विजार्ड, इसमें आपके काफी सारे मिल जाएंगे ऑप्शंस। उनको अभी मैं डाउनलोड करूंगा, टाइम लगेगा, इन सब में मिल जाते हैं वैसे। मैं फिर ये डाउनलोड करूंगा। ये फालतू लग रहा है मुझे, या किसी भी है उस पर देख लीजिए, ISO हंट, कोई भी बिट टॉरेंट की साइट हो। ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसी चीजों पर। चलिए छोड़िए, आगे डेटा वैलिडेशन देखते हैं। हालांकि इसमें वैसे कोई तरीका नहीं है, सिक्योर ही होता है। मुझे फाइल दे देना, मैं अनलॉक करके दे दूंगा। मैं ढूंढ ढांड के, मेरे पास पड़ा होगा दूसरे कंप्यूटर में। डेटा वैलिडेशन देखते हैं। तो डेटा वैलिडेशन यूज होता है जब हम अपने सेल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कुछ एंट्री से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है कि आपके कुछ रूल्स के बेस पे आपको फॉर्मेट कर देता है, पर डेटा वैलिडेशन अगर वो रूल पूरे नहीं होंगे तो उस पर लॉक कर देगा सेल को, मतलब वो एंट्री करने ही नहीं देगा आपको। तो देखते हैं किस तरह से होता है ये डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन में मैंने लगाया, मैं गया इधर डेटा में, डेटा वैलिडेशन, एंड देन ये विंडो आपके सामने हो जाएगी। अभी बाई डिफॉल्ट सेटिंग है एनी वैल्यू, अलाउ एनी वैल्यू, देन आपके पास है होल नंबर।
होल नंबर में आपके पास ये जो डेटा है बिटवीन नॉट बिटवीन इक्वल टू सम लॉजिकल क्राइटेरिया है, मैंने कह दिया कि आप 10 से लेकर 20 तक की वैल्यू ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर मैं यहाँ नो डालता हूँ एरर आ जाती है, ठीक है जी, 21 डालूंगा तो एरर आ जाएगी, 20 डालूंगा ओके आ जाएगा, एंटर हो जाएगा। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इन पर। देन हम बात करते हैं, बट इसमें एक और चीज़ है, मान लीजिए मैं यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू दे रहा हूँ तो भी एरर दिखाएगा, क्योंकि ये होल नंबर सिलेक्टेड है, होल नंबर मीन्स नो डेसिमल, देन डेसिमल भी चाहिए हमें 10 से 20 के बीच के, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये हम डेसिमल एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। देन है हमारे पास लिस्ट, लिस्ट में क्या होता है, कोई भी हम लिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि हम देते हैं एक से 10 तक मैंने दे दी लिस्ट, तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी ये ड्रॉप डाउन की तरह, इसमें से मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ। बाकी अगर इसके अलावा कुछ एंट्री करने की कोशिश करूँगा तो नहीं होगी, ठीक है जी। देन अब ये लिस्ट आप दो तरीके से ले सकते हैं, आप चाहे कहीं से लिखा हुआ डेटा भी उठा सकते हैं, जैसे ये लिस्ट है मेरे पास इधर है, ये यहाँ से कैसे उठाएंगे, यहाँ से मैं डेटा वैलिडेशन पर गया, लिस्ट में ये सब हटा देता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ओके ओके ठीक है जी। अब देखेंगे आपकी लिस्ट में वो सब आ गया, ठीक है जी। अब इस लिस्ट के अलावा आप कुछ नहीं, आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे आप चेंज कर देते हैं आपके डेटा वैलिडेशन की वैल्यूज में भी चेंज हो जाता है, तो ये इंटरकनेक्टेड रहता है इस तरीके से। बाकी लिस्ट के साथ मैं एक और यूज दिखाऊंगा इसका, डेट में क्या है कि आप डेट एंटर कर सकते हैं कि स्टार्ट डेट एंड डेट 1 अगस्त 14 से 31 अगस्त 14 के बीच की वैल्यू, बीच की आफ्टर बिफोर इक्वल टू यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बिटवीन नॉट बिटवीन लॉजिकल फंक्शन, ठीक है जी। मैंने डाले 2 अगस्त 14, ठीक है जी, 1 जुलाई डालता हूँ एरर आएगी, ठीक है जी। देन हमारे पास डेट के बाद टाइम, टाइम भी उसी तरीके से डाल सकते हैं, प्रॉपर टाइम फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई नई चीज़ नहीं है। टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ मतलब कि जैसे मोबाइल नंबर है, तो मैंने कहा कि वो जो है इक्वल टू 10 होनी चाहिए, जो भी डालेंगे वो इक्वल टू 10 होना ही चाहिए। तो अगर 10 डिजिट का है तो ठीक है, बता रहा हूँ कैसे बनेगी ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसमें हमने नंबर डाल दिया यहाँ, तो 10 सितंबर तक का तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो एरर दिखाएगा, या फिर इससे कम होगा तो एरर दिखाएगा, ठीक है जी, 10 तक की एंट्री देगा। देन हमारे पास है इसमें कस्टम, अब कस्टम में हम मोस्टली फॉर्मूले यूज करते हैं, ठीक है जी, जैसे कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज किए थे, इसमें भी करते हैं सेम चीज, तो देखते हैं। सारी डेटा वैलिडेशन हटा दी मैंने,
अब जैसे क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं, में क्या होता है हमारे पास, मैंने कहा कि हर एक बंदा कुछ ना कुछ परचेज कर रहा है, ठीक है जी। पर मैंने कहा कि जैसे ही उसकी परचेज 5,000 हो, वैसे ही एंट्री ब्लॉक कर दो उसको, मतलब वो 5,000 से ज्यादा के आइटम ना परचेज कर पाए, ठीक है जी। तो इसमें मेरे को क्या करना है, वैलिडेशन लगानी है पूरे में, ठीक है जी। वैलिडेशन कैसे लगाऊंगा, फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला क्या रहेगा, तो देखेंगे फॉर्मूला क्या रहेगा। जैसे अभी हम 25 पे ही चले जाते हैं कि इसको एक्सीड ना होने दें, ठीक है जी। एक कंडीशन के साथ काम कर देते हैं, दूसरी वाली नहीं लेते। मैं कहता हूँ 10,000 से ज़्यादा एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इसमें, सम यहाँ से ये पूरी रेंज ले लूँगा, और अगर ये ग्रेटर देन 5,000 है, ठीक है जी, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देगा ये मुझे, क्योंकि लॉजिकल कंडीशन है, ठीक है जी। तो इसको क्या करूँगा, मैं इस कंडीशन को लगा दूंगा, कट कर लूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा जहाँ मुझे लगानी है वैलिडेशन, पूरे पे ही लगा देता हूँ डेटा वैलिडेशन। देन कस्टम में गया और ये फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है जी, ओके कर दिया। अब 1,000, ओके, सम ग्रेटर देन, इस फॉर्मूले को रिवर्स कर देते हैं कि 5,000 से ज्यादा हो तब, अभी तो ये ट्रू में आ रहा है और ट्रू में ये ब्लॉक कर रहा है, ट्रू में ब्लॉक कर रहा है, तो 5,000 ज्यादा हो, ठीक है जी, 2,000, 3,000 आ गया ना, और फॉर्मूला आपका तुरंत बदल गया। तो हमने यहाँ वहाँ फॉर्मूला लगाया था रिवर्स वाला, ये तो ये क्या करता है, हमें ट्रू के केस में एंट्री करने देता है, जैसे ही यहाँ फॉल्स हो जाता है एंट्री बंद कर देगा, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले इसके अंदर है, इस तरीके से लगाते हैं। तो 5,000 से ज्यादा हम एंट्री कर नहीं सकते, ठीक तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। बाकी एडवांस इसके फॉर्मूले हम देखेंगे बाकी बाद में। लिस्ट का एक ऑप्शन बताता हूँ इसमें कि लिस्ट का हम कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एचआर की एम्प्लॉय लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है आपके पास एडमिन की, कुछ बंदे आपके एचआर में, कुछ बंदे एडमिन में। ये बंदे हो गए एडमिन में, कर सकते हैं सर, डुप्लीकेट को ब्लॉक कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, अभी दिखाता हूँ उसको भी। तो मेरे पास एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, एचआर एंड एडमिन। देन अब क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रेंज चाहिए होती है इसकी। मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर होगा, मान लीजिए लिस्ट में यहाँ बना दिया मैंने, और यहाँ एक दे दिया एचआर, एक दे दिया एडमिन, ठीक है जी।
या मैंने दो ही दे दिया, एचआर एडमिन। अब मैं इसके सामने एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से एचआर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ एचआर के बंदे दिखाए, एडमिन सिलेक्ट करूँ तो एडमिन के बंदे दिखाए इस ड्रॉप डाउन में। तो कैसे करेंगे, देखिए इससे कैसे आइडेंटिफाई होगा कि उसे कौन सी रेंज में जाना है। तो हमारे पास एक चीज है, अब जैसे मैं ये रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, इसको मैं किस नाम से पहचानूंगा, B4 कॉलम B6। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है कि मैं इसको कोई नाम भी दे सकता हूँ। तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे नेम बॉक्स कहलाता है, यहाँ पे कोई भी नाम दे दूंगा। तो मैं दे दूंगा HR इसका नाम, ठीक है जी। अब मैं अगर HR लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है ये ब्लू बॉर्डर आ गया। देन क्या करता हूँ, मैं एडमिन के लिए भी सेम करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका नाम कर देता हूँ एडमिन, ठीक है जी। तो अब इक्वल टू एडमिन का मतलब वो है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट क्या करता है, किसी टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट ये लिया, इसका जो भी टेक्स्ट है वो एड्रेस में अगर कन्वर्ट हो गया तो एड्रेस क्या है, एचआर का एड्रेस ये बन जाता है, एडमिन का एड्रेस ये बन जाता है, ठीक है जी। मैं इनडायरेक्ट के फॉर्मूले से यहाँ से ड्रॉप डाउन से वो उठा लिया, ठीक है जी। अभी ये एरर देगा, कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है जी। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाना है डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और ये फॉर्मूला डाल दिया मैंने इनडायरेक्ट, ठीक है जी। अब क्या करता हूँ, एचआर सेलेक्ट करता हूँ मैं। अब देखेंगे एचआर वाले बंदे यहाँ पे, ठीक है जी। एडमिन सेलेक्ट करता हूँ, अब देखेंगे एडमिन वाले बंदे हैं खाली, ठीक है जी। तो आप बात कर रहे थे कि डुप्लीकेसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डुप्लीकेसी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई नेम, नेम ही ले लेता हूँ। देखिए कोई भी फॉर्मूला रहेगा, ट्रू तक वो एंट्री करने देगा, फॉल्स होते ही एंट्री खत्म कर देगा। तो डुप्लीकेसी फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, काउंट इफ, ठीक है जी। इसमें हम इसके बगल वाली रेंज भी ले लेंगे, फॉर्मूला यहाँ लगा देता हूँ, क्लियर देखिए, काउंट इफ। मैंने एक रेंज ये ले ली, देन मतलब पूरी रेंज ये ले ली, इसमें क्या किया मैंने, एक को फिक्स कर दिया, एक वैल्यू को। मैं फॉर्मूला पे जाऊंगा तो ये सारी चीजें करना बताऊंगा। अभी अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो डॉलर फिक्सिंग में क्या होता है कि जब मैं ड्रैग करता हूँ, तो अभी दिखाता हूँ इसको मैं कर। तो ये मैंने रेंज में क्या चूज की, मैंने एक रेंज चूज कर ली जो कि E3 थी, E3 से E3। देन क्राइटेरिया में मैंने यही E3 चूज किया है। तो मेरे को क्या निकल के आता है मेरे सामने, यहाँ एक है और एक को मैंने लॉक कर रखा है, देखेंगे सिर्फ एक को लॉक कर रखा है। जब मैं ड्रैग करता हूँ तो मेरे सामने क्या देता है, जब भी ये वैल्यू डुप्लीकेट होती है तो वहां दो दिखा देता है, ठीक है जी। मतलब ये गिन के देता है, कैसे गिन के दे रहा है ये, जब मैं इसमें नीचे बढ़ता हूँ तो देखेंगे कि आपकी रेंज बड़ी होती जा रही है। अब ये रेंज जो हो गई है E3 से E7, यानी E3 वहीं का वहीं है रेंज। अब ये क्या करता है, नीचे आता है, इसमें देखता है कि ये कितनी बार है, तो आया 2 बार है तो उसने 2 दे दिया। पर ऊपर में 1 क्यों दिया है, क्योंकि इस रेंज में कहीं डुप्लीकेशन ही नहीं है। तो यही तरीका है डुप्लीकेसी हटाने का। क्या लगा सकते हैं इसके आगे, कि ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। तो यहां ट्रू होना शुरू हो जाएगा, और हमें क्या करना है कि ट्रू के केस में, ट्रू जब आए तो हमने क्या करना है, ट्रू आएगा तभी तक आप एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ कल परसों एक फॉर्मूला बताया था आपको, नॉट का मार दीजिए इसमें, ठीक
ठीक है जी। अब मामला पलट गया, ठीक है जी। अब देखते हैं फॉर्मूला कितना वर्किंग है। ये कॉपी किया मैंने फॉर्मूला, और मैंने क्या किया यहां से यहां तक लगा दिया, डेटा वैलिडेशन कस्टम ये फॉर्मूला, ओके। एरर आ गई, कोई नई वैल्यू एंटर करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर वही करेंगे तो एरर देगा, ठीक है जी। तो फॉर्मूला रहा मेरा ये, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, डेटा वैलिडेशन एंड आपका प्रोटेक्शन, ठीक है सर। और माइक अरेंज कर लीजिए ताकि बात बात कर पाए, कई बार आप कुछ पूछना चाहते हैं रह जाता है, मालूम नहीं पड़ता।